हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में 2018 का बायोलॉजी का पेपर सॉल्व करेंगे। 2018 में जो बायोलॉजी का पेपर आया था उसमें क्या था कि जो सेट जी जी था, यह जो है सेट जी वाला है, आप देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये बायोलॉजी के क्वेश्चन का पीडीएफ है। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि ऑफसेट आर प्रोड्यूस्ड बाय, ऑफसेट जो होते हैं वो किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं, पार्थेनोकार्पिकली, पार्थेनोजेनेसिस से, माइटोटिक डिवीजन से या मेयोटिक डिवीजन से। यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा माइटोटिक डिवीजन से। ऑफसेट जो होते हैं ये जो है कि प्लांट, छोटे छोटे प्लांट होते हैं जो कि पेरेंट प्लांट से प्रोड्यूस होते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, तो ऑफसेट जो होते हैं ये माइटोटिकली जो है वेजिटेटिव प्लांट के पार्ट होते हैं और माइटोसिस के द्वारा बनते हैं और ये सोमैटिक सेल में डिवीजन के द्वारा ऑफसेट बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर द सेमी कंजर्वेटिव, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट शोन इन ए, तो यह जो है सबसे पहले बैक्टीरिया में शो किया गया था। सेलेक्ट द करेक्ट मैच, यहाँ पे हमें करेक्ट मैच सेलेक्ट करना है। तो जो लैकोपेरान है, यह जो है लैकोपेरान दिया गया था जैकब और मोनॉट के द्वारा और बाकी सारे के सारे जो है गलत हैं, ठीक है, बस एक ही सही है, जैकब और मोनॉट ने लैकोपेरान दिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच, कौन सा पेयर जो है कि रॉन्गली मैच है। तो यहाँ पे देखिए कि जो ग्रास ऊपर होता है उसमें जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है XO और X0 टाइप का होता है, TH मार्कर ने लिंकेज दिया था। ABO ब्लड ग्रुप जो होता है यह जो है एग्जाम्पल होता है कोडोमिनेंस का, और मल्टीपल एलील्स का। लेकिन स्टार्च जो सिंथेसिस पी में होता है यह मल्टीपल एलील्स से नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे जो रॉन्गली मैच है वो फोर्थ वाला है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पांचवा पूछ रहा है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। स्प्लाइसियोसोम टेक पार्ट इन ट्रांसलेशन, स्प्लाइसियोसोम जो है वो ट्रांसलेशन में टेक पार्ट करता है और ट्रांसडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय एस एल्टमैन, पुनेट स्क्वायर वाज डेवलप्ड बाय द ब्रिटिश साइंटिस्ट। तो यहाँ पे जो थर्ड है ये सही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पॉलन एज फॉसिल, तो पॉलन को फॉसिल की तरह प्रिजर्व करने में ऑयल कंटेंट स्पोरो पॉलन एंड सेलुलोजिक इंटाइन या पॉलन किट कौन हेल्प करता है। तो जो स्पोरोपॉलेनिन है यह जो है केमिकल, बहुत ही केमिकली बहुत ही हार्ड और बहुत ही स्टेबल होता है और यह जो है पॉलन को फॉसिल की तरह प्रिजर्व करने में सक्षम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर ओनली वंस, इन इट्स लाइफ टाइम। तो यहाँ पे देखिए मैंगो कटरी दिया हुआ है, पपाया दिया है, जैक फ्रूट दिया है और बम्बू स्पीसीज दिया है। तो मैंगो तो हर साल एक ही पेड़ पे हर साल मैंगो आते हैं, तो वंस तो हुआ नहीं। पपाया भी कई बार ये एक ही लाइफ साइकिल में बहुत बार फ्लावर देता है और फ्रूट भी देता है। जैक फ्रूट भी बहुत टाइम फ्लावर और फ्रूट देता है, लेकिन जो बम्बू की स्पीसीज होती है बम्बू की, ये इसकी लाइफ साइकिल जो है 18 से 100 ईयर तक होती है बम्बू की, और ये अपने पूरे लाइफ साइकिल में केवल एक ही बार जो है कि केवल एक ही बार क्या करता है, फ्लावरिंग करता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यह जो है नीट 2018 का बायोलॉजी का पेपर है और आपने 10 ईयर के क्वेश्चन कर लिए तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो होता है PCR, जिसमें हम एक ही चीज को बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पे जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, वो होता है डीनेचुरेशन, एनलिंग और एक्सटेंशन होता है। डीनेचुरेशन, एनलिंग और एक्सटेंशन होता है। इन इंडिया द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसिंग द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड फॉर पब्लिक यूज इज। तो यह जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग एफ्रेजल कमेटी GEAC है यह है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज एज ए वेक्टर फॉर इंट्रोड्यूसिंग DNA फ्रेगमेंट इन टू ह्यूमन लिम्फ साइट। तो ह्यूमन की जो लिम्फोसाइट होती है उसके अंदर अगर हमें DNA फ्रेगमेंट को इंट्रोड्यूस करना हो तो कौन किसको हम वेक्टर के रूप में यूज करते हैं, लेमडाफेज, PBR322, TI प्लाज्मिड या रिट्रोवायरस। तो हम जो है यहाँ पे रिट्रोवायरस को यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन विदाउट ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंसर्न कंट्री एंड इट्स पीपल इज कॉल्ड, इसे हम कहते हैं बायोपायरेसी। बायोपायरेसी जो होता है लोकल लोगों को जाने बिना हम जो है यूज जो करते हैं दूसरे नेशन के बायो रिसोर्सेज को, मेडिसिनल प्लांट्स को, तो यह जो है बायोपायरेसी के अंदर आता है। ए न्यू वेराइटी ऑफ राइस वाज प्लान पेटेंटेड बाय द फॉरेन कंपनी। जैसे कि भारत की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि विदेशी कंपनियों ने पेटेंट करा ली है और यहाँ पे कह रहा है कि एक विदेशी कंपनी है जिसने कि पेटेंट करा लिया है। दो सच वेराइटी हैव बीन प्रेजेंट इंडिया फॉर लॉन्ग टाइम, जबकि ये वेराइटी इंडिया में बहुत लंबे समय से थी। तो यह जो है कौन सी है, तो बासमती, देखिए बासमती और शरबती सुनारा ये सारे इंडिया के ही चावल की प्रजातियां हैं, लेकिन विदेशी कंपनियों ने इन्हें अपना वो बना लिया है, क्या कर लिया है, इनको अपने यहाँ का पेटेंट करा लिया और इसे जो है कि नहीं चाहते कि कोई दूसरा ग्रो करे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे सारे के सारे वैरायटी इंडिया की है और किसको कराया है इसका सही आंसर मुझे नहीं पता है, लेकिन लेकिन जो है कि अगर यहाँ पे बासमती ही है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो या फिर आपको लगता हो दूसरा आंसर होगा तो ज़रूर से बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। करेक्ट मैच उनको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे TH मार्गन ने तो लिंकेज को दिया था और लीडरबर्ग ने ट्रांसडक्शन दिया था, मेंडल जो है जेनेटिक्स पे इन्होंने कार्य किया है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। यहाँ हमारा जो सही है वो है राइबोजाइम। राइबोजाइम क्या होता है, एक न्यूक्लिक एसिड होता है जो कि एंजाइम की तरह वर्क करता है। ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है जो कि एंजाइम की तरह वर्क करता है, तो उसे राइबोजाइम कहते हैं। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो ऑप्शन 1 है इट टेक पार्ट इन स्पिंडल फॉर्मेशन, जो न्यूक्लियोलस होता है स्पिंडल फॉर्मेशन में टेक पार्ट लेता है, या फिर इट इज ए साइट फॉर द एक्टिव राइबोसोमल RNA सिंथेसिस, या फिर न्यूक्लियोलस में RNA राइबोसोमल RNA की सिंथेसिस होती है। तीसरा है इट इज ए मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, यह जो होता है मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोलस, या फिर लार्ज न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल। तो डिवाइडिंग सेल में न्यूक्लियोलस तो एबसेंट हो जाता है, तो ये सही नहीं होगा। दूसरा है इट इज ए मेम्ब्रेन बाउंड, न्यूक्लियोलस जो है मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर तो होता है, तो ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें
ज्यादा सही कौन सा है। तो ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली तो सभी होती है, तो ये तो कॉमन कैरेक्टर हो गया बहुत सारी ऑर्गेनलीज का। बहुत सारी डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती है, बहुत सारी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होती है, तो ये कॉमन कैरेक्टर हो गया। खैर ये सही है, लेकिन ये जो है साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। राइबोसोमल आरएनए जो होता है उसकी सिंथेसिस न्यूक्लियोलस में ही होती है, यह इसका यूनिक कैरेक्टर है, इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर नंबर 2 जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, द गोल्जी कम्प्लेक्स पार्टिसिपेट इन, जो गोल्जी कम्प्लेक्स होता है वो क्या कार्य करता है? रेस्पिरेशन करता है इन बैक्टीरिया, एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड, फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल, फैटी एसिड ब्रेकडाउन। तो यह जो है क्या करता है, यह जो है फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल्स। तो आपको पता होगा कि जितने भी वेसिकल्स बनती है वो सारे के सारे गोल्जी कम्प्लेक्स से ही बनती है, तो गोल्जी कम्प्लेक्स जो है पार्टिसिपेट करता है फॉर्मेशन ऑफ द सेक्रेटरी वेसिकल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे NADH जो है लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। लाइट रिएक्शन में जो बनता है एटीपी बनता है और एनएडीपीएच 2 बनता है, ना कि एनएडीएच बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, यहाँ पे है हमारा विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोकैरियोट, कौन सा इसमें से एक प्रोकैरियोट नहीं है? नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, माइकोबैक्टीरियम, सैक्रोमाइसिस। तो नॉस्टॉक और ऑसिलेटोरिया ये जो ये है नॉस्टॉक और ऑसिलेटोरिया ये प्रोकैरियोट है, माइकोबैक्टीरियम भी प्रोकैरियोट है, लेकिन सैक्रोमाइसिस जो है यह प्रोकैरियोट नहीं है, यह यूकैरियोट है। स्टोमेटल मूवमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय, जो स्टोमेटा का मूवमेंट होता है वो अफेक्ट नहीं होता है O2 कंसंट्रेशन से। द टू फंक्शनल ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शुगर आर, शुगर के जो टू फंक्शनल ग्रुप हैं जो कि कैरेक्टरिस्टिक हैं शुगर के, वो कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे है कार्बोनिल एंड द फॉस्फेट, कार्बोनिल एंड द हाइड्रोक्सिल, ठीक है, और कार्बोनिल एंड मिथाइल, हाइड्रोक्सिल एंड मिथाइल। तो यहाँ पे कार्बोनिल एंड हाइड्रोक्सिल है। द स्टेज ड्यूरिंग विच सेपरेशन ऑफ द पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम बिगिन इज, तो यहाँ पे हमारा जो है डाइकाइनेसिस, जाइगोटिन, डिप्लोटिन, यहाँ पे आंसर हो जाएगा डिप्लोटिन। वो स्टेज जिसमें कि सेपरेशन होता है पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम का बिगिन हो जाता है, उसे हम डिप्लोटिन कहते हैं। नेक्स्ट 21 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, वो है स्टोमेटा इन ग्रास लीफ आर, जो ग्रास की लीव्स होती है उसमें जो स्टोमेटा होते हैं वो कैसे होते हैं? रेक्टेंगुलर होते हैं, बैरल शेप्ड होते हैं, किडनी शेप्ड होते हैं, डंबल शेप्ड होते हैं। आंसर हो जाएगा किडनी शेप्ड होते हैं, और ये चीज़ याद ही करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, विच वन इज रॉन्गली मैच, कौन सा एक जो है रॉन्गली मैच्ड है? जिम्माकब जो है मार्केंसिया में बनते हैं और ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, इनसे इनसे मार्केंसिया का नया प्लांट बनता है। यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जो है क्लोरेला क्या है? यूनिसेलुलर ही है। बाईफ्लैजिलेटेड जो फ्लैजिल ब्राउन एल्गी है, यूनिफ्लैजिलेटेड गैमेट पॉलीसाइफोनिया के होते हैं, तो यह जो है हमारा रॉन्गली मैच है। तो हर्बेरियम जो होता है, हर्बेरियम होता है वो क्या होता है? इज ए प्लेस वेयर ड्राइड एंड
प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमेन माउंटेड ऑन सीट आर कैप्ट, ये होता है। सेकंड है की, की जो होते हैं बुकलेट कंटेनिंग ए लिस्ट ऑफ कैरेक्टर एंड ईयर अल्टरनेट व्हिच आर हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टैक्सा, यहाँ पे इसलिए हमारा आंसर जो है सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। म्यूजियम जो होता है क्या होता है, इट इज ए प्लेस हैविंग ए कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल्स, और कैटलॉग जो होता है वो ए लिस्ट दैट इनुमरेट मेथोडिकली ऑल द स्पेसिमेन फाउंड इन एन एरिया विथ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एडिंग आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, विंग्ड जो पॉलन ग्रेन होते हैं, विंग्ड पॉलन ग्रेन किस में पाए जाते हैं, मैंगो, पाइनस, साइकस, मस्टर्ड। तो विंग्ड पॉलन ग्रेन आर प्रेजेंट इन पाइनस, पाइनस में पाए जाते हैं। आफ्टर कैरियोगैमी फॉलोड बाय मियोसिस स्पोर आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजिनसली इन, तो एगेरिकस में एक्सोजिनसली स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, आए जे ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, भाई ऑक्सीजन जो है प्रोड्यूस नहीं होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, किस में होता है, साइकस, कारा, नॉस्टॉक, तो इन सब में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है उसमें नहीं होता है। डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है, डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो क्या होता है, फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमेट विथ वन एग सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट विथ टू पोलर न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे जो है कि फोर्थ है फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमेट ऑफ पॉलन ट्यूब विथ टू डिफरेंट एग्स, यहाँ पे आंसर हो जाएगा सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग टर्गर इन सेल, इसमें से कौन सा जो है टर्गर प्रेशर को मेंटेन करता है, वो है पोटेशियम, जो कि टर्गर प्रेशर को मेंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 29 में क्या हो जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट सो ए वेराइटी सो ओज ए वेरी क्लोज रिलेशनशिप विथ ए स्पीसीज ऑफ मॉथ वेयर एज नन ऑफ द टू कैन कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल विदाउट द अदर। तो यहाँ पे हमारा जो है आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा यक्का। यहाँ पे क्या होता है, कौन सा प्लांट्स जो है सो ए वेरी क्लोज रिलेशनशिप विथ स्पीसीज ऑफ मॉथ, जो मॉथ की स्पीसीज है उससे यह बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप, वेयर नॉन ऑफ द टू कैन कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल विदाउट अदर। हाँ, तो यहाँ पे आंसर हमारा यक्का हो जाएगा। पॉलन ग्रेन कैन बी स्टोर फॉर सेवरल ईयर इन लिक्विड नाइट्रोजन हैविंग ए टेम्परेचर ऑफ, तो जो लिक्विड नाइट्रोजन होता है उसका टेम्परेचर जो होता है कितना होता है, -196 होता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 31 नंबर का। 31 में जो है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ NAD प्लस इन सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन में NAD प्लस का रोल क्या होता है, इट फंक्शन एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर, यह इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज आयरन एब्जॉर्ब बाय द प्लांट, प्लांट के द्वारा कौन सा एब्जॉर्ब हो जाता है, वो है फेरिक। नीचे जो है क्या होता है, ठीक है, नीचे जो है वो क्या होता है, द रेंज ऑफ टेम्परेचर दैट द ऑर्गेनिज्म नीड टू लिव, द फंक्शनल रोल प्ले बाय द ऑर्गेनिज्म वेयर इट लिव, तो फंक्शनल रोल जो कि ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्ले किया जाता है जो कि वहाँ पे रहता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, कौन सा इसमें से सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, तो यहाँ पे ओजोन जो होता है वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में आता है। नेटेलिटी रिफर्स टू, नेटेलिटी जो है
क्या रिफर करती है, वो बर्थ रेट को रिफर करती है। वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, जो वर्ल्ड ओजोन डे है वो कब सेलिब्रेट होता है, 16th of September को। 12th of September को आपका पेपर है, 16th of September को ये है। व्हाट टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड वुड बी ऑब्टेन विद द फॉलोइंग डाटा, तो इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, ठीक है, इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन स्ट्रेटोस्फीयर विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एक्ट एज द कैटलिस्ट इन डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन एंड रिलीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हो जाएगा क्लोरीन। कैस्पियन स्ट्रिप अकरिन, कैस्पियन स्ट्रिप कहाँ पाई जाती है, कैस्पियन स्ट्रिप जो है प्लांट्स की इंडोडर्मिस में पाई जाती है। नेक्स्ट है, प्लांट हैविंग लिटिल आर नो सेकेंडरी ग्रोथ आर, वो कौन से प्लांट हैं जिनमें कि लिटिल या नो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, वो है ग्रासेस। नेमेटोफोर्स अकर इन, नेमेटोफोर्स जो है किसमें नहीं होते हैं, तो हेलोफाइट्स जो हैं उनमें नेमेटोफोर्स नहीं होते हैं। स्वीट पोटैटो जो है, स्वीट पोटैटो वो जो है एडवेंटिशियस रूट होता है, का मॉडिफिकेशन होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, ओव्यूल आर नॉट इनक्लोज बाई ओवरी वाल इन जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में जो ओव्यूल होते हैं ओवरी वाल के द्वारा सराउंडेड नहीं होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, यहाँ पे हमें रॉन्ग स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे हो जाए सीडोपोडिया लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोअन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम इन डाइकोटिस्टेम आर प्रोड्यूस्ड बाई, तो यह किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, ये प्रोड्यूस होता है वैस्कुलर कैम्बियम के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 46 को हमें सॉल्व करना है, 46 को हमें सॉल्व करना है, ठीक है, मैच करना है यहाँ पे कॉलम वन को कॉलम टू से, ठीक है, कॉलम वन को कॉलम टू से मैच करना है। तो ग्लाइकोस्यूरिया क्या होता है, ग्लाइकोस्यूरिया जो होता है प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, जब हमारे मूत्र में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है उसे ग्लाइकोस्यूरिया कहते हैं, ठीक है, ग्लाइकोस्यूरिया कहते हैं। और बी जो है कि गाउट है, गाउट क्या होता है, यह जो है एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन जॉइंट्स होता है। रिनल कलकुली जो होती है वो क्या होती है, मास ऑफ द क्रिस्टल लाइज साल्ट विद इन द किडनी। और ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस एंड इन्फ्लेमेशन इन ग्लोमेरुलाई होता है, इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 47, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो होता है वो मालपिगियन कार्पसल मल्पिगियन कार्पसल्स में होता है। कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन जो है, जो यूरिन का कंसंट्रेशन होता है वो कहाँ पे होता है, वो हेनले लूप में होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन जो है, यूरिन का ट्रांसपोर्ट जो है वो कहाँ पे होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन यूरेटर से होता है। स्टोरेज होता है यूरिनरी ब्लैडर में, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है ये थर्ड वाला करेक्ट है।
अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48. अमंग द फॉलोइंग सेट ऑफ एग्जांपल फॉर द डाइवर्जेंस सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन. तो यहाँ पे हमारा 48 का क्या हो जाएगा, टू आई ऑफ ऑक्टोपस बैट एंड मैन. ये जो है कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के एग्जांपल नहीं है, बाकी सारे के सारे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिजीज. इसमें से कौन सी एक ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है, तो वो है अल्जाइमर डिजीज ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है. बाकी रिमेटॉइड अर्थराइटिस, सोरोसिस, वीटी, लेगो, ये सारी के सारी ऑटो इम्यून डिजीज है. विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन. ह्यूमन में ब्लड ग्रुप के इनहेरिटेंस को कौन सा जो है कि शो करता है, तो डोमिनेंस को डोमिनेंस. और देखिए ह्यूमन का जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें डोमिनेंस को डोमिनेंस और मल्टीपल एलील्स सभी ये शो करता है. तो इसलिए यहाँ पे ए और बी और सी तीनों सही है. इनकम्प्लीट डोमिनेंस ह्यूमन ब्लड के द्वारा नहीं शो किया जाता है. कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड इम्प्रूव इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ. तो यहाँ पे कह रहा है कि विटामिन B12 जो होता है, कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड इम्प्रूव इट्स न्यूट्रिशन वैल्यू. जो कर्ड बनती है मिल्क से, तो उसमें जो है क्या होता है, विटामिन B12 जो है ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और इसलिए यह जो है क्या होगा, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ा देता है. द सिमिलरिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर इन द फोर लिम्ब ऑफ मैनी वर्टिब्रेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ. तो यह किसका एग्जाम्पल होते हैं, होमोलॉजी का एग्जाम्पल होते हैं. नेक्स्ट है इन विच डिजीज डज मॉस्किटो ट्रांसमिटेड पैथोजन काज क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फैटिक वेसल्स. तो यहाँ पे है जो है कि एलिफेंटियासिस में जो है क्या होता है, लिम्फैटिक वेसल्स जो है फूल जाती है, नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस. कौन से एनिमल जो है मेटामॉर्फोसिस में नहीं जाते हैं, अर्थवाम, बाकी मॉथ, स्टारफिश और ट्यूनिकेट्स में मेटामॉर्फोसिस होता है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ दिस एनिमल इज नॉट ए होमियोथर्म. होमियोथर्म चिलोन जो है होमियोथर्म नहीं होता है, बाकी कैमेलियन, सी टेकुला और मैक्रोपस जो है होते हैं. नेक्स्ट है 56 विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज यूज टू आइडेंटिफाई ए मेल काक्रोच फ्रॉम द फीमेल काक्रोच. मेल काक्रोच को फीमेल काक्रोच से हम कैसे अलग कर सकते हैं, तो प्रेजेंस ऑफ कॉडल स्टाइल जो होता है इसी के बेसिस पे हम अलग कर सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन. तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा चीफ प्रोड्यूसर जो ओशन में होते हैं, डाइएटम्स होते हैं. नेक्स्ट है सिलिएट्स डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोअन. जो सिलिएट्स होते हैं और बाकी सारे दूसरे प्रोटोजोअन से कैसे डिफरेंट होते हैं, हैविंग टू टाइप ऑफ न्यूक्लियाई इसलिए डिफरेंट होते हैं. आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल्स कैरेक्टराइज बाय क्रॉप एंड गिजर्ड इन इट्स डाइजेस्टिव सिस्टम. किस वर्टिब्रेट ग्रुप में जो है क्रॉप और गिजर्ड पाया जाता है, ठीक है, किस वर्टिब्रेट ग्रुप में क्रॉप और गिजर्ड पाया जाता है, तो यह एप्स में पाया जाता है जो कि बाकी ग्रुप से डिफरेंट है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है 60 का हार्मोन. हार्मोन सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी आर. वो हार्मोन जो कि सिक्रेट होते हैं प्लेसेंटा के द्वारा जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करते हैं, वो कौन से हैं, HCG, HPL, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हैं. द कंट्रासेप्टिव जो होती है सहेली, उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है, तो जो सहेली कंट्रासेप्टिव होती है इज एन IUD इज ए पोस्ट कोइटल कंट्रासेप्टिव. तीसरा कह रहा है इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रिवेंट ओवुलेशन इन फीमेल.
चौथा कह रहा है ब्लॉक एस्ट्रोजन रिसेप्टर इन द यूट्रस एंड प्रिवेंटिंग एग फ्रॉम द गेटिंग इम्प्लांटेड, यहाँ पे हमारा चौथा सही हो जाएगा। द एमनियन ऑफ मैमेलियन एम्ब्रियो इज डिराइव्ड फ्रॉम, जो एमनियन होता है वो कहाँ से डिराइव्ड होता है, वो जो है एक्टोडर्म और मेजोडर्म से डिराइव होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 63 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन इज, स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मिएशन में क्या डिफरेंस होता है। इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम द सर्टोली सेल्स आर रिलीज इनटू द कैविटी ऑफ स्पर्म ऑफ सेमनिफेरस ट्यूबुल, व्हाइल इन द स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड। नेक्स्ट कह रहा है इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड व्हाइल इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ आर रिलीज्ड फ्रॉम सर्टोली सेल इनटू द कैविटी ऑफ सेमनिफेरस ट्यूबुल, तो यहाँ पे हमारा ये वाला सही हो जाएगा। तो देखिए थर्ड वाला भी गलत है और फोर्थ वाला भी गलत है, इसलिए हमारा जो सेकंड वाला है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, कोई भी कंट्री है जिसका पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है तो वहाँ पे क्या होता है, रिप्रोडक्टिव एंड प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल आर इक्वल इन नंबर, प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल आर लेस देन द रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल, रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल आर लेस देन द पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स। तो जहाँ पे जो है कि ग्रोथ हो रहा हो वहाँ पे क्या होगा, प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल आर मोर देन द रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल, तो प्री रिप्रोडक्टिव जो इंडिविजुअल हैं वो ज्यादा होते हैं। 65 विच पार्ट ऑफ द पॉपी प्लांट इज यूज्ड टू ऑब्टेन द ड्रग स्मैक, पॉपी प्लांट का कौन सा जो है पार्ट यूज होता है ड्रग बनाने में, तो यहाँ पे हमारा जो है कि आंसर हो जाएगा थर्ड, लेटेक्स का यूज होता है। नेक्स्ट है 66, यहाँ पे मैच करना है, सिक्स में हमें मैच करना है, तो यूट्रोफिकेशन न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट होता है और न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट होता है। सैनिटरी लैंडफिल जो होते हैं ये क्या होते हैं, वेस्ट डिस्पोजल में स्नो ब्लाइंडनेस जो होता है वो होता है यूवीबी रेडिएशन का, और यह जो है झूम कल्टीवेशन जो है क्या है, डिफॉरेस्टेशन, यहाँ पे ऑप्शन वन वाला ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 67, विच आर वन ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलेशन इंटरेक्शन इज वाइडली यूज इन मेडिकल साइंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स के लिए कौन सा है, एमेंसली, मेडिकल साइंटिस्ट प्रोड्यूस एमेंसलिज्म का यूज होता है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द एक्सेट टू कंजर्वेशन एक्सेप्ट, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा सेक्रेट ग्रुप्स, बाकी बोटेनिकल गार्डन, एक से टू कंजर्वेशन के लिए बोटेनिकल गार्डन भी आ जाता है, सीड बैंक भी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सफारी पार्क भी आ जाते हैं, जबकि सेक्रेट ग्रुप्स जो है यह इन सीटू में आते हैं, इन सीटू में आते हैं। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 69, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक सेल्स इनडायरेक्टली हेल्प इन इरिथ्रोपोएसिस, इरिथ्रोपोएसिस में जो है कि जो हेल्प करता है वो कौन सा है, तो इरिथ्रोपोएसिस में पेराइटल सेल्स जो है वो हेल्प करती है। नेक्स्ट है हमारा 70 का कौन सा सही हो जाएगा, 70 का फाइब्रिनोजन, ब्लड क्लॉटिंग, ग्लोबुलिन डिफेंस मैकेनिज्म, एल्बुमिन ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा 71, कैल्शियम इज इम्पॉर्टेंट इन स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन बिकॉज इट, यह जो है क्यों इम्पॉर्टेंट होती है कंट्रैक्शन बिकॉज, क्योंकि यहाँ पे जो है हो जाएगा बाइंड टू ट्रोपोनिन टू रिमूव द मास्किंग ऑफ द एक्टिव साइट ऑन द एक्टिन
for Miocene. Which of the following is an occupational respiratory disorder? कौन सा occupational respiratory disorder है? तो silicosis जो है occupational respiratory disorder है. सिलिकोसिस जो होता है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है. क्यों होता है? क्योंकि जो लोग धूल भरी जगह पे कार्य करते हैं वहाँ पे उन्हें ये रोग हो जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमिनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन? एमिनो एसिड से डिराइव्ड हार्मोन कौन सा होता है? तो इपिनेफ्रिन जो होता है, एपिनेफ्रिन जो है एमिनो एसिड्स का बना होता है, एमिनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन होता है. नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा, इसका थर्ड हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर रीजन इज इनकरेक्टली पेयर विथ इट्स फंक्शन? हाइपोथैलेमस का जो फंक्शन होता है प्रोडक्शन ऑफ रिलीजिंग हार्मोन एंड रेगुलेशन ऑफ द टेम्परेचर, हंगर एंड थर्स्ट होता है. ठीक है. कार्पस कोलेसम होता है वो क्या होता है? बैंड ऑफ फाइबर होता है, कनेक्ट करता है लेफ्ट एंड द राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर को. लिम्बिक सिस्टम जो है क्या करता है? मेडुला ओब्लोंगाटा जो है कंट्रोल करता है रेस्पिरेशन एंड द कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स. यहाँ पे हो जाएगा कंसिस्ट ऑफ द फाइबर ट्रैक्ट दैट इंटर कनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन, कंट्रोल मूवमेंट करता है. 75 का क्या हो जाएगा? 75 का हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कैन प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन ऑस्टियोपोरोसिस? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, एस्ट्रोजन एंड द पैराथायराइड हार्मोन जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस में. और नेक्स्ट है 76 का, द ट्रांसपेरेंट लेंस इन द ह्यूमन आई इज हेल्ड इन द इट्स प्लेस बाय? तो जो ह्यूमन आई में जो ट्रांसपेरेंट लेंस होता है वो किसके द्वारा अपनी जगह पे रहता है? तो ये जो है लिगामेंट अटैच टू द सिलेरी बॉडी, जो लिगामेंट है जो कि अटैच होता है सिलेरी बॉडी से. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है 77 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द लंग कंडीशन इन अस्थमा एंड एम्फाइसेमा रिस्पेक्टिवली? तो यहाँ पे हमारा जो है कि वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द लंग कंडीशन इन अस्थमा? अस्थमा और एम्फाइसेमा में जो लंग की कंडीशन होती है वो कैसी हो जाती है? पहला है इंक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रैंकियोल, दूसरा है डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रैंकियोल, इंक्रीज नंबर ऑफ द ब्रैंकियोल इंक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रैंकियोल डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस. तो यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि जो अस्थमा होता है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है ब्रैंकियोल्स में, और एम्फाइसीमा में डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस क्योंकि उसमें जो है बहुत सारी जगहों पे कुछ तो ऐसे स्ट्रक्चर हार्ड स्ट्रक्चर बन जाते हैं जो कि जिसकी वजह से कि रेस्पिरेशन के लिए पूरी जगह नहीं मिल पाती है. नेक्स्ट जो है हमारा 78 का है, 78 जो है क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, 78 में क्या कह रहा है, कॉलम वन को कॉलम टू से क्या करना है, मैच करना है. ट्राइकस्पिड वाल्व जो होते हैं ये क्या होते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व जो है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होता है वो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है. लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम के बीच में जो वाल्व होता है वो जो होता है ट्राइकस्पिड वाल्व होता है. ठीक है. और जो है बाइकस्पिड वाल्व होता है वो बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, और जो सेमी लूनर वाल्व होता है वो बिटवीन द राइट वेंट्रिकल बिटवीन द
राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी. राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जब जब ब्लड जो है कि जाता है डिस्टिलेशन के लिए लंग में ऑक्सीजनेशन के लिए, तो वो जो है वहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व होता है. ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ पे हो गया, सेमीलुनर वाल्व कहाँ पे हो गया, सेमीलुनर वाल्व कहाँ पे हो गया, ये बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी के बीच में होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 79 का हमारा कौन सा हो जाएगा, 79 का जो है हमारा कौन सा हो जाएगा, तो टाइडल वॉल्यूम जो होता है कितना होता है. टाइडल वॉल्यूम तो सबको पता है, बहुत ही आसान है. टाइडल वॉल्यूम जो है 500 ml से 550 ml तक होता है. इंस्पिरेटरी रिजर्व जो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है वो 2500 से 3000 तक होता है. एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है वो कितना होता है, वो 1000 से 1100 ml तक होता है. रेजिडुअल वॉल्यूम जो होता है 1100 से 1200 ml तक होता है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यह जो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, रेजिडुअल वॉल्यूम है, लगभग लगभग एक ही बराबर होता है. तो इसलिए यहाँ पे हमारा ये वाला सही हो जाएगा. हमारा ये क्वेश्चन नंबर 79 हो गया. इसमें जो है 90 क्वेश्चन जो है बायोलॉजी के रहते हैं, बाकी 90 में फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 में है कि जो निसल्स बॉडीज होती हैं आर मेनली कंपोज्ड ऑफ, जो निसल्स बॉडी होती हैं वो मेनली किसकी बनी होती हैं, तो ये फ्री राइबोसोम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बनी होती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 81 में क्या कह रहा है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. इसमें से कह रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट है. ग्लाइकोलिसिस ऑपरेट एज लॉन्ग एज इट इज सप्लाइड विद द एनएडी दैट कैन पिक अप हाइड्रोजन एटम्स. यहाँ पे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन टेक्स प्लेस इन द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. तो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होता है, तो ये जो है इनकरेक्ट है. तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ग्लाइकोलिसिस अकर इन साइटोसोल, ये तो सही है, जबकि ये स्टेटमेंट जो है गलत है. एंजाइम ऑफ द टीसी साइकिल आर प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ये भी सही है. और ग्लाइकोलिसिस जो होता है ऑपरेट होता है long as it's implied with the NAD that can pick up hydrogen atom, तो वो चलता रहता है. तो यहाँ पे हमारा जो incorrect statement है वो 2 है. Next हमारा question है 82 का. 82 में हमारा क्या हो जाएगा, many ribosome में associated with a single mRNA, एक ऐसे mRNA होता है और इस पे बहुत सारे और इस पे क्या होते हैं कि बहुत सारे ribosome इस तरह से अटैच हो जाते हैं. तो mRNA टू फॉर्म द मल्टीपल कॉपी ऑफ द पॉलीपेप्टाइड साइमल्टेनियस सच स्ट्रिंग ऑफ राइबोसोम आर टर्म्ड एज पॉलीसोम कहते हैं इसको. 83 में विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब ह्यूमन डेंटिशन, कौन सा ह्यूमन डेंटिशन को शो करता है. तो ह्यूमन डेंटिशन थिकोडोंट, डाइफियोडोंट और हेट्रोडोंट होता है. थिकोडोंट जो कि मींस कि जिसमें कि हमारे जो दांत होते हैं ह्यूमन बींग के वो हड्डियों में होते हैं. डाइफियोडोंट मींस कि दो बार हमारे कुछ जो दांत होते हैं दो बार निकलते हैं. और हेट्रोडोंट सारे दांत जो है एक जैसे नहीं होते हैं. इंसाइजर के 9 प्री मोलर मोलर सारे अलग अलग शेप एंड साइज के होते हैं, उनका फंक्शन भी डिफरेंट होता है. इसलिए ये हेट्रोडोंट हो गए. नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 का क्या हो जाएगा. Which of the following event does not occur in rough endoplasmic reticulum? Rough endoplasmic reticulum में कौन सा event नहीं होता है, तो phospholipid synthesis नहीं होता है. rough endoplasmic reticulum में protein का synthesis भी होता है, protein का glycosylation भी होता है, protein की folding भी होती है, cleavage of single peptide भी होता है. ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 85 विच इज इनकरेक्टली मैच. तो 85 में पूछ रहा है हमसे कि कौन सा इनकरेक्टली मैच है. तो सब मेटासेंट्रिक जो क्रोमोसोम होते हैं एल सब्ड होते हैं, तो ये सही है.
पॉलिटिन क्रोमोसोम जो है आउट साइड ऑफ एम्फीबियन में मिलते हैं, एलोजोम जो है सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, लैम ब्रश क्रोमोसोम जो है डिप्लोटिन स्टेज में दिखते हैं बाइवेलेंट, लेकिन यहाँ पे जो पॉलिटिन वाला है ये इनकरेक्ट है, इसलिए यहाँ पे इनकरेक्टली मैच जो है यही है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 86 का, तो इसमें 90 तक के जो क्वेश्चंस है वो बायोलॉजी के हैं, तो हम लोग इतने ही करेंगे, बायोलॉजी के क्वेश्चंस को ही करेंगे। नेक्स्ट है हमारा 86 नंबर का क्वेश्चन, 86 में है, यह जो है इज ए सीक्वेंस फ्रॉम द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ जीन, व्हाट विल बी द करेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ ट्रांसक्राइब्ड mRNA। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 वाला जो है ये हो जाएगा आंसर। अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डी ब्रिज द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन इज, ह्यूगो डी ब्रिज के अनुसार जो मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन होता है वो है डी ब्रिज द मैकेनिज्म ऑफ फिनोटिपिक वेरिएशन, माइनर म्यूटेशन, मल्टीपल स्टेप म्यूटेशन या साल्टेशन होता है ह्यूगो डी ब्रिज के अनुसार। 88 का पूछ रहा है हमसे, 88 का तो प्रोलीफरेटिव फेज जो होता है उसको हम फॉलिकुलर फेज भी कहते हैं, ठीक है। प्रोलीफरेटिव फेज को सेक्रेटरी फेज, ल्यूटियल फेज होता है, मेंस्ट्रुअल जो है ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग, नेम करेक्ट है। 89 का कौन सा हो जाएगा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ एन ऑपेरॉन एक्सेप्ट तो एन इनहेंसर। 90 का जो है वो है ए वोमेन हैज एक्स लिंक कंडीशन एंड वन ऑफ हर एक्स क्रोमोसोम, दिस क्रोमोसोम कैन बी इनहेरिटेड बाय, तो यह जो है बोथ सन एंड डॉटर के द्वारा ये इनहेरिट होगा। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, और मेरे वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ये जो है 2018 का नीट का बायोलॉजी का पेपर है, इसमें यह जो है कोड GG था, चल्ला करके ऐसे लिखा हुआ था। तो धन्यवाद।